हलवा, काले चने और ना पूरी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज रामनवमी है और हमारे घर में ना आज कन्या पूजन है और सब नहावा के ना रेडी हो चुके हैं। अभी पूजा करनी है तो सबसे पहले छीलता हूँ नारियल ताकि मैं पूजा शुरू कर सके। हेलो भाई, इतने सारे कन्याएं आ गई हमारे घर पे। भाई जयकारा तो लगा दो सारे एक बार। शेरावाली माईदा बोल साचे दरबार की जय। सारे बोलो इस तरीके से कुछ प्लेटें। इस कन्याएं हमारे घर पे आ गई हैं और आज पूरी 9 कन्याएं आई हैं पूरी, और 2 हमारे भाई भी आए हैं। जय करा शेरावाली माई का बोल साचे दरबार की जय। जय माता, जय माता दी तो बोल दिया कर। जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस पूजा हमारी हो गई है, बहुत अच्छी पूजा हुई, बहुत अच्छी है ना पापा। उनका कन्या भी 9 आ गई, बहुत अच्छी पूजा हुई, बहुत अच्छा। मैं प्रसाद दे दो पहले मेरे को। अरे पहले पापा को दे रहे हो, पहले मेरे को देना चाहिए, मेरा फास्ट खुला है आज तो दिनों बाद तो खाने को मिल रहा है। बताओ उसमें भी ना भगवान का नाम, मैं कह रही हूँ भगवान का नाम लेके सबर करना चाहिए। सबर करना चाहिए, हाँ ठीक है ठीक है, कर रहे हैं। कैसा बनना है? बढ़िया बनाना भाई। ऐसा कुछ दिख रहा है प्रसाद आज, हलवा, काले चने और ना पूरी। तो गाइस 8 दिन बाद आज कुछ अन खा रहा हूँ, अब देखते हैं कैसा बना है, खा के पता लगेगा वो तो। गाइस कंजक करने के बाद ना फिर मैं गया राम जी की शोभा यात्रा में, हमारे घर के नीचे से निकल रही थी तो मैं वहाँ चला गया था थोड़ी देर के लिए। वहाँ से आके ना फिर थक गया था कि कल रात को ना 3 घंटे ही सोया था मैं, तो थक गया सो गया था। और अब उठाऊँ, अब 5 बज रहे हैं, अब उठाऊँ और देखो मम्मी मेरे क्या बना के लाए हैं। तो गाइस ये क्या बन के आया है, भंडारे वाली सब्जी और पूड़ी। कल मेरा भंडारा खाने का बहुत मन कर रहा था ना, तो मम्मी ने आज बनाई दी पूड़ी सब्जी, कब खाता मैं इसको। तो गाइस दिल्ली के मौसम का तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सुबह जब मैं शोभा यात्रा में गया था ना इतनी तेज़ गर्मी थी, मेरा फ़ोन पूरा हीटअप हो गया था और अब एकदम से बारिश आना चालू हो गई। मैं दिखाता हूँ देखो सामने कितना बढ़िया मौसम हो गया है, पूरे काले बादल हो गए हैं, पूरा काला सा हो गया एकदम। तो गाइस अभी तेज़ बारिश आ रही है ना, मम्मी परेशान हो गए हैं क्योंकि ना डायरेक्ट इस तरफ की हमारे घर की तरफ की वो है बसार, तो पूरा पानी घर के अंदर आ रहा पूरा का पूरा। तो गाइस ये खाली बारिश नहीं हो रही है, देखो ओले पड़ रहे हैं, ये देखो ये रहा। तो गाइस पूरा अंदर तक पानी पानी हो गया पूरा पूरा, और बारिश नहीं ओले भी पड़ रहे हैं, बहुत तेज ओले हो रहे हैं, बहुत तेज। गाइस अलग लेवल का ही मौसम चेंज हो गया बिल्कुल ही, मतलब ये तो उम्मीद ही नहीं थी। बारिश तो ठीक है, ओले पड़ रहे हैं फुल तेज और बहुत ज्यादा, मतलब अलग ही लेवल का मौसम हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो गाइस कॉर्नर का घर होने का ना ये बहुत फायदा है, बारिश आए या कुछ ऐसा मौसम हो ना तो आप व्यू को एंजॉय कर सकते हो। मैं चेयर पे बैठ गया ऐसे आराम से और बारिश को एंजॉय कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है बहुत। गाइस पता नहीं क्या हो गया मौसम को, इतनी तेज़ बारिश आ रही है और रुक ही नहीं रही है। 4:30-5 बजे की बारिश चालू हुई थी, 6:30 बज गया, बारिश रुकी नहीं रही है। पापा और भाई भी आ गए, पूरे भीगते हुए हैं फैक्ट्री से पूरे।
तो गाइस बारिश ने पूरा प्लान चौपट कर दिया। भाई का और मेरा प्लान था कि पहले खेतरी प्रवाहित करने जाएंगे, उसके बाद ना भाई को शूज़ लेने, तो शूज़ लेने जाएंगे और थोड़ा बाहर खाने पीने जाएंगे, क्योंकि ना 9 दिन हो गए नवरात्रों में, तो बाहर से कुछ खाया पिया नहीं, मतलब चटपटा वगैरह, तो बाहर खाने पीने जाते हैं। लेकिन बारिश ने पूरा प्लान ही चौपट कर दिया महाराज। आज इतनी बारिश, कम से कम 2.5 घंटे बारिश हुई है आज। और सबसे ज़्यादा मुझे चिंता है किसानों की, उनका गेहूँ ना खराब हो जाए। पापा जब से आया ना, पापा को ये टेंशन हो रही है किसानों का गेहूँ ना खराब हो जाए। तो प्रे करो किसानों के लिए, क्योंकि गेहूँ खराब ना हो, होप सब बैठ सही रहे, उनका इतनी मेहनत होती है बेचारों की साल भर की, वो खराब ना हो बस। तो गाइस अभी के जाना तो है नहीं, तो इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ख़त्म। अगर ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कुणाल के ब्लॉग्स। तब तक के लिए बाय।